जब आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करे तो इट्स इम्पॉर्टेंट, जरूरी है कि आपके पास एक एडवाइजरी बोर्ड हो या एक एडवाइजर हो, कुछ ऐसे साथी जो आपको गाइड कर सके, आपको मेंटोर कर सके। सो गाइस, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क पीपल टू गाइड यू। लोग आपको गाइड करेंगे क्योंकि किसी दिन उन्हें भी किसी ने मेंटोर गाइड किया था। सो गाइस, फाइंड द मेंटोर्स यू नीड एंड ट्रस्ट मी, योर बिजनेस विल फाइंड इट्स ग्रोथ पाथ। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। यहां इंडिया के उभरते स्टार्टअप्स को फंडिंग तो मिलती ही है, साथ ही मौका मिलता है अपने आइडियाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। लेकिन इन स्टार्टअप से मिलने से पहले हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो इन स्टार्टअप को देंगे अपने इन्वेस्टमेंट का हॉर्स पावर। सो प्लीज वेलकम द हॉर्सेस। यामिका मेहरा Fabsy and I Lead Investments की पार्टनर है यामिका, और अब बुलाते हैं अपनी अगली हॉर्स अंकिता वशिष्ठ। पास की नजर रखने वाले हमारे अगले हॉर्स मंदार जोशी, अब बुलाते हैं हमारे अगली हॉर्स आरती गुप्ता को, बुलाते हैं हमारे एक और दमदार हॉर्स को मोहित गुलाटी। सबसे पहले टू स्टार्ट विद अंकिता, व्हाट डू यू से? ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, तो ऑफ कोर्स आवर एक्साइटमेंट इज वेरी हाई, सो वी आर वेरी मच हियर एक्साइटेड टू बैक दीज फाउंडर्स। क्या बात है, बास की नजर किसे ढूंढ रही है? मैं तो हमेशा वो एक या दो स्टार्टअप फाउंडर ढूंढना चाहता हूँ जो कॉन्फिडेंस लेके आए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, अपने मार्केट के बारे में, और मुझे कहानी सुनाए और पैसा लेके जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारा मंच भी तैयार है, हॉर्सेस पूरे चार्ज अप नजर आ रहे हैं, और स्टार्टअप्स की एनर्जी भी देखने लायक है। इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं स्टार्टअप गुरु फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। आर यू रियली रेडी? अब हम बुलाते हैं आर्मर हेवी, प्लीज वेलकम कैप्टन राहुल राय। 2006 की बात है, फ्रेशली आउट ऑफ द आर्मी, इंडियन आर्मी, सेकंड करियर की खोज में मैं था। 2006 वो भी एक ईयर था जब मॉल कल्चर स्टार्ट हो रहा था। आई हैपन टू गो टू वन ऑफ दीज मॉल्स, मुझे बहुत दुख हुआ इन मॉल्स में कि एक भी एस्पिरेशनल इंडियन ब्रांड मौजूद नहीं था। That was, I think, the fountainhead of this thought process कि how come 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं देश की आज़ादी को, एक भी aspirational fashion brand देश ने नहीं दिया। I am Captain Rahul Rai, I am the founder and chief vision officer. 1st January 2021 में मैंने operation start किए थे Armor Heavy के through armorheavy.com। एक साल में हमने 2 करोड़ का revenue company के लिए कंसोलिडेट किया है। हमारा आस्क है 10% फॉर 1.2 करोर्स इन इन्वेस्टमेंट। वी आर मेकिंग अ शर्ट दैट लुक एज गुड इन ऑफिस, मे बी अ बीच। ये फ्यूजन फैशन है, शर्ट्स हैं और पोलो नेक्स हैं, वो 1200-1000 शॉप इन शॉप के बाद हम इंडियन आर्मी को भी सप्लाई कर रहे हैं। सो 30% ऑफ रेवेन्यू निश टैक्टिकल वेयर, सो 30-40-30 रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दीज 3 स्ट्रीम्स। आपको नहीं लगता आर्मर हेवी ये ब्रांड फेमिनाइन नहीं है, या फिर लेडीज वेयर के साथ उतना नहीं बहुत लोग एसोसिएट करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मेरा ये मानना है और मेरा विजन, जैसे मैं देखता हूँ एएच विमेन, जो जो लेडीज पहनेंगी वो सबसे पावरफुल लेडीज होंगी, सबसे ज़्यादा विल्ड लेडीज होंगी, और वो एक्सेप्ट करेंगी आर्मर हेवी को। मुझे लगता है कि हमारे हॉर्सेस की जो सोच है थोड़ी बहुत बदल सकती है अगर हम डॉक्टर बिंद्रा से इस बीच बात कर ले, तो सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपकी पिच के बारे में। सर, ओवर टू यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कैप्टन राहुल राय, आर्मर हेवी, आप लो कॉस्ट हाई क्वालिटी अपैरल बनाते हैं मेन के लिए, नेशनलिस्टिक ब्रांड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि इस समय हमारा $50 बिलियन का फैशन इम्पोर्ट है इंडिया में, जो कि 40-60% घट जाएगा।
चाइना और चाइनीज गुड्स के अगेंस्ट जो इस समय सेंटिमेंट चल रहा है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। मैं आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी तक बात क्लियरली नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता है। ये मैं देख पा रहा हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं, वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। मुझे ऐसा लगता है कि परेटो फार्मूला पे ये बिजनेस चलता है, क्योंकि आपका केवल 20% माल है जो 80% बिकता है। तो क्या आप वो जो 20% माल है उसको 80% की क्वांटिटी में रखने को तैयार हैं? उसको ट्रैक कैसे करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर को ट्रैक कैसे करेंगे? तो मेरा कहना है कि अगर ऑनलाइन दिखाओगे अपनी इन्वेंट्री तो कस्टमर करेगा आपके स्टोर में तुरंत एंट्री, आपको उस पर काम करना चाहिए। धन्यवाद। मुझे बहुत मुश्किल लगता है और सेलिब्रिटी फेस के साथ भी बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक फॉर दोज रीजंस आई एम आउट ऑफ दिस डील। आई हैव दिस वन लास्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ब्रांड्स आर मेड बाय सेलिब्रिटीज एंड नॉट विजन होल्डर्स। हैविंग डीप पॉकेट्स डजंट मीन दैट यू विल बिल्ड अ ब्रांड। Have to have a vision. Final, हाँ या ना? मेरी तो ना है, sorry. Ankita, आज के लिए नहीं है, only because I would like to see you coming back with a plan जहाँ पे आप एक social first और online first brand है. अभी तो मेरे लिए is a complete no. Yamika, आज मेरी ना है. मेरे लिए तो अभी के लिए ना है, लेकिन sir hats off to your passion. So all the best to you. Thank you so much. बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है अपना लाइफटाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें 105 कोर्सेज और 3000 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो कंटेंट है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।